लेके आ रहे हैं। हीटर लगा ले फिर। हेलो या थैंक यू सो मच मोहम्मद रिजवान इज देयर जस्ट वेट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर सनाउल्ला एंड देन कादिर ख्वाजा प्लीज। कादिर भाई सनाउल्ला या अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, एक और मैन ऑफ द मैच आपका। अच्छा पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं और कैलेंडर ईयर देखें तो दोनों के बहुत अच्छे रन हैं। बट अच्छा और होगा कि आप दोनों के बीच में ये कंपटीशन चलता रहे तो आप मेंटल तौर पर थोड़ा सा होते हैं कि बाबर ने पिछले मैच में किया तो मैं भी आप खड़ा हूँ बाबर के साथ और लंबी इनिंग खेलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑब्वियसली आपके पास अगर रैंकिंग में वो भी टॉप पर है, अगर आप चलते रहें एक दूसरे को देख के, क्योंकि तो हमारा बेसिकली जो है हमारे मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो एक्सेस करना है कंडीशन को और दूसरी जो है ना बॉलिंग को, क्योंकि सबके सामने ये है कि सही कह रहे हैं कि पावर हिटर्स आप लोग नहीं है, मगर अंपायर भी जो है ना हम सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के बल से बेहतर कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया फंसी हुई है, मगर अल्लाह हमसे बेहतर करवा रहे हैं, क्योंकि इसका मेन जो रीज़न यही है कि हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं और रेगुलर से प्लान करके चलते हैं जो मेरे ख्याल से हमारी सबसे कामयाबी करा देंगे। रिजवान भाई 9 अक्टूबर को मुझे याद है मैंने सवाल किया था कुर्बानी वाला ओपनिंग के हवाले से, लेकिन उससे आपने अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरीन अपना उसका जवाब दिया और आप माशाल्लाह दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच हैं, तो ये बताएं कि अपनी कामयाबी का ये क्या राज है, क्या आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़े रन भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपको कामयाबियाँ भी इससे समेट रहे हैं। देखिए जी आपने जो भी सवाल किया था हमारे यहाँ भी आके बैठना जवाब देना ये है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि हम सबको पाकिस्तान एक ही, आपका भी यही मकसद होता है कि हमारा पाकिस्तान ऊपर है, हमारा भी यही मकसद होता है कि पाकिस्तान ऊपर है, और हम सारे मिलके इंशाल्लाह जितने भी न्यूज़ वाले मीडिया वाले हम सारे प्लेयर्स भी बाकी जितने भी एमसी भी रिक्वेस्ट है सारे मिलके ऊपर पाकिस्तान की ले जाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन सब ऊपर आएगा। और उसमें मैंने कोई वो नहीं लिया था जो भी सवाल आपने किया था, मगर मेरे ख्याल से ये एक चैलेंजेस होते हैं सवाल में भी, समटाइम आपको वहाँ से कुछ गेन करना पड़े ना तो नेगेटिव चीज़ से भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है, क्योंकि आप अगर उसको नेगेटिव के लेके जाएंगे तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, मगर बहरहाल एक चैलेंजिंग टाइम क्वेश्चन था वो और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसा बात नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चल रही है बैटिंग क्योंकि दुबई शारजा अबू धाबी एक ऐसी कंडीशन है अगर आप बहुत अच्छा खेलते तो 150-160 के राउंड फिनिश कर देते, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आप पावर प्ले खेल अगर आप पूरे वर्ल्ड कप में उठा के देख ले 33 में 3 आउट 4 आउट इसी पे पावर प्ले फिनिश हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के फल से हमारा जो पावर प्ले अल्लाह की वजह से वो 40 पे कभी पहुंच जाता है, कभी 42 पे गया हुआ है विदाउट एनी विकेट, आज भी वही है जिस तरह सबके सामने था, कंडीशन काफ़ी टफ थी, उनके बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा इसका कि उन लोगों ने पिच को यूज़ किया है, लेंथ पे बॉल किए, हमें डिफिकल्ट टाइम दिया, मगर सबको पता है बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 और जिस तरह उसने सस्ती कंडीशन को तो वहीं पर हमने दूसरे को प्लेन ही किया कि इंशाल्लाह थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। शाकिर रिजवान भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमने स्ट्रेटजी चेंज की विनिंग द टॉस एंड बैट करने के लिए गए, स्ट्रेटजी क्या थी, क्या कोई माइंड में था कि हम 200 प्लस पे जाएंगे या वही 180 हमारा टारगेट था, लगा कुछ ऐसे, दूसरा अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि 5 ओवर रिमेनिंग हम फेस की जगह आसिफ अली कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था अगर वो क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल जी, देखिए जी स्ट्रेटजी हमने चेंज किया टॉस जीत के बैटिंग ही की है इसीलिए कि किसी फाइनल में कुछ भी हो सकता है और वो सबके सामने था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह जा रहे थे पहले भी मैंने कहा है कि हमारा प्लान तो था 190 के प्लस था हमारा प्लान, क्योंकि कल हमें जोड़न जो बैटिंग में कोच थे उन लोगों ने हमें प्लान किया था कि हम पहली बैटिंग करेंगे हम इतने टारगेट लेके जाएंगे, मगर जिस तरह सम टाइम आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि सबके सामने जिस तरह पहले उनकी पावली 6 ओवर उन लोगों ने की है ऑनेस्टली मैं मुझे आज तक मुझे तो समझ नहीं आई उस टाइम, क्योंकि कप्तान भी कोई स्किट कर रहा था कोई स्लो कर रहा था कभी स्विंग हो रहा था कभी आउट स्विंग हो रहा था, बजाय इसके कि हम अपनी विकेट थ्रो कर दें तो हमने प्लेन वहाँ पे कर दिया, एट दी एंड अलहमदा वही हुआ है जो हमारे हेड कोच चाह रहे थे हमसे, और दूसरी बात जब आपने किया कि आसिफ को वहाँ पे ले आ सकते हैं तो अलहमदिल्ला हम कोशिश कर रहे हैं कि कप्तान कोच इस चीज़ पे ज़्यादा रिलाय कर रहा है कि हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो टिक हो जाए, अलहमदिल्ला हमारे फास्ट बॉलर्स रिदम में शाहिन शाह आरिस रऊफ आज हसन अली ने अलहमदिल्ला बहुत आला बॉलिंग किए वो बॉक्स भी अला पाक ने टिक करा दिया, सेम अगर आसिफ की बैटिंग देख शुएब भाई की बैटिंग देख ले हमारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग देख ले तो एक हफीज भाई की कमी थी जिसने मतलब उसने बॉक्स पे तड़ा सता कि उसने नहीं किया, अल्लाह पाक ने आज उसको भी फॉर्म मिल जाए तो अलहमदिल्ला हमारी एक रिदम बिल्कुल बनी हुई है और कोशिश करें कि अल्लाह के पास इस रिदम को आगे कंटिन्यू कर सेफ इस तरह जाए उसको जीते इंशाल्लाह। अतीक भाई अच्छा रिजवान
आपने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए, अब क्रिस गेल से सिर्फ 4 रन की दूरी पर हैं और आप सबसे ज्यादा रन बनाते हैं इस साल में, एक तो इसको कैसा देखते हैं कि टारगेट है, और दूसरा पाकिस्तान टीम के हवाले से कहा जाता था अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान टीम हार जाती है, तो अब ये धब्बा जो है, ये दाग जो पाकिस्तान टीम पर था ये हट गया, तो कैसा इसमें फर्क कैसा देखते हैं, किस तरह पाकिस्तान टीम में ये अनप्रिडिक्टेबल की टीम का जो हटा? देखिए जी, अल्लाह के फजल से स्टेज पे खड़ा हूँ कि 4 रन की दूरी पे हूँ और अल्लाह ने बहुत करम किए मेरे पे, क्योंकि मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की फजल से सब कुछ है। और जहाँ पे आपने बात की अनप्रिडिक्टेबल की, तो मेरे ख्याल से हर जगह पे हर एक बंदे की अपनी एक माइंड सेट होती है। अगर हम अनप्रिडिक्टेबल थे हम सारे, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल की क्रिकेट, उसको मैं समझ रहा हूँ।